पत्थर से ही क्यों बनाई गई भगवान राम की मूर्ति? 5 साल के बालक की मूर्ति बनाने का खुल गया राज। 51 इंच की ही रामलला की मूर्ति क्यों बनाई गई? और रहस्य जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं है पता, उद्घाटन से पहले अयोध्या में हुआ चमत्कार, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की आंखों से किसने हटाई पट्टी? रामलला के दर्शन करके पूरा देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन काले पत्थर से ही भगवान राम की मूर्तियां क्यों बनाई गई जानते हैं आप? अब इस भगवान राम के 5 साल के बालक की मूर्ति को देखिए, जिसमें रामलला मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। पैर से लेकर चेहरे तक पूरी मूर्ति काले रंग की है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने काले रंग के पत्थर को ही क्यों चुना और इसके पीछे का रहस्य क्या है? आमतौर पर हम किसी भी काली वस्तु को शुभ नहीं मानते हैं, ऐसे में भगवान की मूर्ति काले रंग की क्यों बनाई गई? वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बात सिर्फ काले रंग की नहीं है, 51 इंच की मूर्ति बनाने की वजह भी 99% लोगों को नहीं पता है। भगवान राम की ये मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी कि पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल के बाल स्वरूप में दर्शाया गया है। रामलला की सुंदर मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल रहे हैं। ये 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको भगवान विष्णु के सभी अवतार नजर आएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान राम भी विष्णु के ही अवतार थे। रामलला की बाल रूप मूर्ति में एक तरफ हनुमान तो दूसरी तरफ गरुड़ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मूर्ति की भव्यता में और भी 4 चांद लग जा रहे हैं। रामलला की इस मूर्ति में मुकुट की साइड पर सूर्य भगवान, शंख, स्वास्तिक, चक्र और गदा नजर आ रहा है। लेकिन रामलला की मूर्ति काले पत्थर से क्यों बनाई गई, इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति बनाई गई है, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि शालिग्राम पत्थर है। ये पत्थर भगवान राम के ससुराल नेपाल की गंडक नदी में पाया जाता है। शालिग्राम पत्थर को बहुत ही शुद्ध माना जाता है और हिंदू धर्म के लोग अपने घरों में इस पत्थर की पूजा करते हैं। माना जाता है कि शालिग्राम पत्थर में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं और भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए इसी शालिग्राम पत्थर से रामलला की मूर्ति बनाई गई है। जिस शालिग्राम पत्थर से रामलला की मूर्ति बनाई गई है, ये जलरोधी होता है, मतलब इसमें पानी का असर नहीं होता है, बल्कि इसकी चमक पानी से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर राम मंदिर में पहुंचने वाले भक्त रामलला के ऊपर चंदन रोड़ी लगाएंगे तो इसमें रामलला की मूर्ति की चमक पर कोई असर नहीं होगा। रामलला की 51 इंच लंबी मूर्ति दक्षिण भारतीय शैली की है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि रामलला के 5 साल के बालक स्वरूप को दूर से आसानी से देखा जा सके। राम मंदिर के गर्भगृह में जब रामलला की मूर्ति लगाई गई, उस दौरान उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। ये पट्टी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद हटाई जानी थी, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई, मतलब प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला के दर्शन हो गए। लेकिन ऐसे कैसे हुआ, इसके बारे में भी चलिए अब आपको बताते हैं। इस तस्वीर को देखिए, जो इस वक्त राम मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई है। इस मूर्ति में रामलला की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद ही आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। लेकिन जिस वर्कशॉप में रामलला की मूर्ति बनाई गई, वहीं से यह तस्वीर वायरल हुई, जिसकी वजह से 22 जनवरी से पहले ही पूरे देश और दुनिया में रामलला के दर्शन हो गए। हालांकि अब भगवान राम की मूर्ति को लेकर राजनीति भी शुरू है। विरोधी दलों का कहना है कि जो मूर्ति रामलला की प्रकट हुई थी, उसे क्यों नहीं रखा गया, नई मूर्ति बनाने की क्या जरूरत थी। इसके जवाब में राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि रामलला की इस बड़ी मूर्ति के साथ छोटी मूर्ति भी वहीं पर मौजूद रहेगी, लेकिन बड़ी मूर्ति इसलिए बनाई गई ताकि आसानी से हर कोई दर्शन कर सके। भगवान राम की इस मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखकर पूरा देश खुशी में डूबा हुआ है और हर किसी की जुबा पर सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। रामलला की मूर्ति से जुड़ी ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके, इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप भी जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।